अस्सलाम वालेकुम, मुमके पकवान में आपका स्वागत है। मैं मुमताज, आज मैं आपके लिए बनाना पैनकेक की रेसिपी लेके आई हूँ। बनाना पैनकेक बच्चों को बहुत पसंद आता है। चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री लगेंगी। ये दो नरम केले हैं, इसके हमने पीसीस कर लिए हैं। ये एक कप मैदा है और 3/4 शक्कर है। आप शक्कर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये 1/2 टेबल स्पून मस्का है और ये 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून वेलिना एसेंस और 1 अंडा है और 1/2 कप दूध है। चलिए बनाना पैनकेक बनाते हैं मेरी तरीके से। हमने केले को मैश करके ले लिया है। अब इसमें अंडा डालेंगे और इसे अच्छे से फेटेंगे। पैनकेक के बैटर को सिर्फ थोड़ा फेटना पड़ता है, फिर ये जल्दी जल्दी बन जाता है। अब इसमें शक्कर डाल देंगे। आप यहाँ पीसी हुई शक्कर भी डाल सकते हैं, पीसी हुई शक्कर जल्दी घुल जाती है। अब यहाँ हम मस्का डालेंगे। मस्का हमारा रूम टेम्परेचर पे है, आप यहाँ मस्का पिघला के भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम दूध डालेंगे, दूध भी रूम टेम्परेचर पे ही रहना चाहिए। अब इसे दूध डाल के अच्छे से फेटेंगे। अब इसमें हम मैदा डालेंगे। मैदा हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो इसकी गुठलियाँ बन जाएगी, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और इसे फेटते जाएंगे। अब इसमें हम वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे भी अच्छे से बैटर में मिला देंगे। अब इसमें हम बेकिंग पाउडर डाल देंगे और इसे भी मिला देंगे। बेकिंग पाउडर डालते ही आपका बैटर थोड़ा ढीला लगेगा। हमारा बैटर अच्छे से मिलाने के बाद हमारे बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरीके की होनी चाहिए। हमने पैन को गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच बैटर डाल देंगे। आप चाहे तो बड़ा छोटा बना सकते हैं, हमें गैस का फ्लेम स्लो ही रखना है। पैनकेक जल्दी बन जाता है। इसमें हल्के हल्के कहीं कहीं बुलबुले दिखेंगे। अब हम पैनकेक को पलट देते हैं। अब हम इसे पलट कर पकने देंगे। ये थोड़ा फूलने लगेगा, हम इसे थोड़ी देरी पकाएंगे, फिर इसे निकाल देंगे। देखिए दूसरी तरफ से भी पैनकेक तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल देते हैं और बाकी के भी पैनकेक इसी तरीके से बना लेते हैं। देखिए हमारे सारे पैनकेक तैयार हो गए हैं और ये कितने फ्लफी तैयार हुए हैं। अब हम इसमें हनी डाल देंगे। आप इसमें चॉकलेट सिरप भी डाल के खा सकते हैं, जिस तरीके से चाहे उस तरीके से इसका लुत्फ उठा सकते हैं। भी इस तरीके से बनाइए, अपने बच्चों को टिफ़िन में ज़रूर दीजिए। बच्चों को इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद आती है। मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।